अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ कांचन कीर्ति। बाबा कभी कीर्ति के पीछे भागे ही नहीं, कभी उन्होंने अपनी कोई प्रसिद्धि नहीं चाही। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई करोड़पति सेठ मिलने आ रहा है तो अच्छे कपड़े पहन करके बैठ गए। वो जैसे रहते थे वैसे ही रहते थे। और जो कीर्ति के पीछे नहीं भागता, ये कथा आपसे कहती है कि कीर्ति उसके पीछे झक मार के आती है। कभी आप प्रसिद्धि के पीछे मत भागिए, अपना काम करते रहिए। वो काम आप करते रहेंगे तो प्रसिद्धि खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। कामिनी, बाबा के जीवन में कभी कोई कामना नहीं थी सिवाय इसके कि जितने लोग उनके संसर्ग में आए, उनके संपर्क में आए, उनका जीवन सुधरे। लोगों को सुधारना, लोगों को अच्छी जगह पर लाना, लोगों के जीवन को पटरी पर लाना, ये साईं ने ता उम्र किया और बदले में उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं चाहा। श्री साईं सच्चरित्र में ऐसा कोई किस्सा नहीं आता है जब बाबा ने किसी करोड़पति सेठ से ये कहा हो कि यार मैंने देख तेरे लिए इतना कर दिया है, तू मेरे लिए इतना कर दे। कोई कामना थी ही नहीं। तो ये बात समझ में आती है कि कांचन कीर्ति और कामिनी अगर किसी वस्तु किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो भिक्षा मांगना उसका प्रारब्ध हो जाता है। और इसीलिए बाबा ने अपने जीवन को तपाया भिक्षा मांग मांग करके। ये क्यों करते थे उसका कारण समझिए। हम लोग बड़े आसानी से कहते थे बाबा ने भिक्षा मांगी काम खत्म हो गया। कारण समझिए कि क्या कारण था, क्यों जाते थे। लोगों को सीख देने जाते थे कि मेरा एक मकसद है जीवन में जिसको मैं हासिल करने आया हूं और उस मकसद को हासिल करने में मेरे पास और कोई अवरोध नहीं है। सीधा सा हिसाब किताब उनका। तप 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 बाबा ने कभी अपने आप को यह नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूं या ईश्वर हूं। उन्होंने सदैव अपने से यह कहा कि मैं तो ईश्वर का दास हूं। यहां तक कि दास गणु महाराज एक सवेरे जब उनको नमस्कार करने गए कि बाबा मैं भजन करने जा रहा हूं, तो बाबा ने दोनों हाथ जोड़ करके दास गणु से कहा कि हे दासानुदास, मैं तुम्हारा ऋणी हूं।
मैं तुम्हारा ऋणी हूं कि तुम मेरा नाम लोगों तक पहुंचा रहे हो, मेरा काम लोगों तक पहुंचा रहे हो। कोई कहता है क्या, इतना बड़ा व्यक्ति, कोई किसी से कहता है कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं? कभी नहीं। ये बाबा की विशिष्टता थी, वैशिष्ट। धर्म का तीसरा चरण है पवित्रता, सत्य तप पवित्रता। स्वच्छता और पवित्रता, ये दो अलग अलग चीजें हैं। स्वच्छता तन की होती है, पवित्रता मन की होती है। हमको जब ऊपर वाले ने ये तन और उसके अंदर का मन लेकर के भेजा, तो उसने हमको कुछ सोच समझ करके ये तन दिया है। ये जो महीन सा तन है, जिसकी शेल्फ लाइफ किसी को नहीं पता कि कितने दिन चलने वाला है, एक्सपायरी डेट इसकी कब है, इसके ऊपर कहीं कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ है कि बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी को नहीं पता। ये जो महीन सी चादर हमको दे रखी है, ये जो बारीक सी हमारे ऊपर ओढ़न दे रखी है बाबा ने, इसको सही कामों में लगाइए, इसको पवित्र रखिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। इसको इस रास्ते से ले जाइए कि सीधा आपको उससे मिला दे। तन की स्वच्छता एक बार ना हो तो चलेगा, लेकिन मन की पवित्रता हमेशा रहनी चाहिए। छदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी, छदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी, छदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी, छदरिया। हम सबको पता है कि इस शरीर में 8 प्रकार के गुण होते हैं और 5 तत्वों से यह शरीर बना रहता है, धरती वायु पृथ्वी अग्नि आकाश। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली की नहीं। छदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी, छदरिया।
चादर बन घर आई, रंगरेज को दीन ही। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीन ही। जब मेरी चादर यानी जब मेरा शरीर बन करके आया, तो मुझे पैदा करने वालों ने इसको रंगरेज को दे दिया, मेरे गुरु को दे दिया। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीन ही। ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने लालो लाल कर दीन ही। चदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी। चदरिया जब हमको अपने शरीर का गर्व होने लगे, इसमें अभिमान आने लगे कि हम कितने बलिष्ठ हैं, कितने सुदृढ़ हैं, कितने अकलमंद हैं, कितना हमारे अंदर चातुर्य भरा पड़ा है, तो कबीर बहुत अच्छा सा एक प्रिकॉशन हमको लेने को कहते हैं। हाउ फ्रेजाइल इट इज। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये दो दिन तुमको दीन ही। चादर ओढ़ के किसी प्रकार की खुमारी में मत रहना, ये तुमको सिर्फ दो दिन के लिए मिली है। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये दो दिन तुमको दीन ही। और मूरख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीन्ही। चदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी। चदरिया ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीन्ही। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीन्ही। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यों धर दीन ही। चदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी। चदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी। ये शरीर जो मिला है, इसके अंदर जो मन है, उसको चादर के समान उसको समझो।
ये मन ही है जो सब कुछ कराता है। मन में आगे न लगा दो, प्रलोभन के आगे न कर दो, तो ये नमन कराता है। इसी मन को अगर शून्य पर रखेंगे, शुरुआत में रखेंगे, इच्छाओं को शून्य कर देंगे, तो ये अमन कराता है, मन में शांति रहती है। इसी चीज को अगर घूमने में लगा देंगे तो ये रमण करेगा। जब इसी मन को भक्ति से सींचेंगे तो इसमें फूल आएंगे और ये सुमन मन हो जाएगा। तो ये मन जो है बड़े काम की चीज होती है। इसको आप जैसा रखोगे, इसकी ट्यूनिंग जैसी करोगे, जैसे हम लोग एफएम रेडियो की ट्यूनिंग करते हैं, जो स्टेशन सुनना होता है वो स्टेशन लगा देते हैं, वो सुनाई देता है, और उसी रेडियो स्टेशन पर कोई दूसरा चैनल लगाएंगे, कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर देंगे तो कुछ और स्टेशन सुनाई देगा। इसी तरह टाटा स्काई में अगर हमको एफटीवी देखना है तो हमको एफटीवी देखने को मिल जाएगा, और इसी टाटा स्काई में हम एक्टिव चैनल में चले जाएंगे तो साईं बाबा के शिरडी के दर्शन भी हो जाएंगे। सो इट इज ऑल अबाउट ट्यूनिंग। आप अपने मन को कितना कैसे ट्यून करते हैं, ये जरूरी है। हम लोग किसी पार्टी में जा रहे होते हैं, बहुत अच्छा अपना कपड़ा पहन के जाते हैं, और वो कपड़ा अगर उस पर गलती से हमारे छोटे बच्चे ने चॉकलेट खाई हुई है और उस पर हमको उसका गाल लग गया हमारे कपड़े पे, तो चॉकलेट के दाग लग जाते हैं। पार्टी में ही है, कोई वेटर हमको सूप सर्व करने आया और हमने पकड़ने में गलती की, उसने हमको थमाने में गलती कर दी, तो उस पर दाग लग जाता है। और हमारे मन में सहज ये भाव आ जाता है कि यार ये दाग वाला कपड़ा मैं कैसे पहन के जाऊं, ये मैं लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पार्टी में ऐसे आया था, कि मैं अपना ध्यान नहीं रख पाता हूं, कितना गंदा लगूंगा मैं। लेकिन इसी चादर को जब हम मैली कर देते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि कभी ना कभी तो हमको ऊपर जाना है, क्या हम इसी मैली चादर को लेकर के ऊपर जाएंगे हमेशा? जिस ऊपर वाले ने हमको स्वच्छ भेजा था, एकदम साफ सुथरा भेजा था, जब मन को हम मैला करते हैं तो क्या कभी ऐसा सोचते नहीं है कि हम किस मुंह से ऊपर जाएंगे, जो फाइनल पार्टी होनी है उसमें कैसे जाएंगे? झूठ बोलना, कपट करना, छल करना, निंदा करना, षड्यंत्र करना, जलीकटी बातें सुनाना, हमने अपने मन को कितना मैला कर दिया है। तो कभी वहां उस पार्टी में जाने के लिए वाई शुडंट वी बी ड्रेस्ड इन आर संडे बेस्ट, कि क्यों हम अपना सबसे बेहतरीन लिबास पहन करके ऊपर जाएं? सोचिएगा कभी, कथा सोचने का काम देती है। मैली चादर ओढ़े के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़े के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन पर
मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। मैंने किसको दाग लगाया, आकर इस संसार में मैंने किसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, अब क्या दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तुझसे भजन ना तेरा गाया, निर्मल वाणी पाकर तुझसे भजन ना तेरा गाया। नैन मूंद कर है मेरे साईं, कभी ना तुझको ध्याया। नैन मूंद कर हे मेरे साईं, कभी ना तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या भजन सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे।
चल कर तेरे द्वार कभी न आया। इन पैरों से चल कर तेरे द्वार कभी न आया। जहां जहां हो पूजा तेरी शीश ना कभी झुकाया। जहां जहां हो पूजा तेरी शीश ना कभी झुकाया। चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, कैसे सामने आऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर मैली चादर ओढ़ के कैसे। पवित्रता मन की होनी चाहिए तन की नहीं। और जब भी मन पवित्र हो जाएगा तो आपका चेहरा ऐसे चमक उठेगा जितना किसी भी अच्छी ब्रांडेड कंपनी के कॉस्मेटिक्स लगाने से नहीं चमकेगा। न तब आपको फाउंडेशन लगाना पड़ेगा, न तब आपको रूज लगाना पड़ेगा, न तब कॉम्पैक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, न तब आपको मस्कारा लगाना पड़ेगा, तब आपको कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। फेयर एंड लवली फॉर मेन वो भी नहीं लगाना पड़ेगा, कोल्ड क्रीम भी नहीं लगाना पड़ेगा। यहां की चमक जो है ना वो यहां पे दिखती है। तो मन को साफ रखिए क्योंकि मन साई का मंदिर है। इसमें अगर हमने मैल आने दिया तो हम सबका पागल होना बहुत लाजमी है क्योंकि बाहर की चीजें जो हमारे स्वभाव की नहीं है ना वो हमको हमेशा तकलीफ देंगी। हम लोग कोई भी दिल से कोई चोरी नहीं करना चाहता, कोई गलत काम नहीं करना चाहता, कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी करते हैं। प्रलोभन हमको बांध लेते हैं और इन्हीं प्रलोभनों के चक्कर में हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो आज की कथा को अब विश्राम देने का समय आ रहा है। हम साईं के रहने के स्थान अपने मन के गुणगान करके आज की कथा को हम विश्राम की ओर ले जाएंगे। मन साईं का मंदिर है, यहां मैल न आने देना। मानव जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना।
मन साई का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मानव जन्मन भूल मिला, इसे व्यर्थ गवान देना। शीश झुका साई मिलते हैं। दिल में रहती है तस्वीरें यार, दिल में रहती है तस्वीरें यार, गर्दन झुकाई और देख ली। शीश झुका साई मिलते हैं, झुका कर देख ले। शीश झुका साई मिलते हैं, तू झुका कर देख ले। आ जाते हैं साई, तू बुला कर देख ले। साई नाम अति मीठा है, तू गा कर देख ले। ओ साई नाम अति मीठा है, तू गा कर देख ले। आ जाते हैं साई, तू बुला कर देख ले। साई नाम अति मीठा है, तू गा कर देख ले। आ जाते हैं साई, तू बुला कर देख ले। साई नाम अति मीठा है। स्मरण से आ जाते हैं मेरे साईं बाबा। नाम स्मरण से आ जाते हैं मेरे साईं बाबा। आने से उनके कट जाती है हर व्याधि हर बाधा। नाम स्मरण से नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ उसको याद कर लो। साई ना बोल पाओ, स बोल दो, सा बोल दो, ई बोल दो, माई बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसका सिर्फ नाम स्मरण करना है, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। लेने की जरूरत भी नहीं, अपने होठों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं, अपनी जुबान को हिलाने की जरूरत नहीं। नाम स्मरण से आ जाते हैं मेरे साई बाबा। आने से उनके कट जाती है हर व्याधि हर बाधा। नाम स्मरण से आ जाते हैं मेरे साईं बाबा। आने से उनके कट जाती है हर व्याधि हर बाधा। साईं नाम को तू भी, साईं नाम को तू भी सिमर कर देख ले। मेरे साईं नाम को तू भी सिमर कर देख ले। आ जाते हैं साईं, तू बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है। जिस घर में अंधकार भरा, जिस घर में अंधेरा होता है, लाइट वाइट नहीं जल रही होती है, तो मेहमान घंटी नहीं बजाता। क्योंकि अंधेरा होता है तो आदमी को डर रहता है कि अंदर बिवेयर ऑफ डॉग्स वाला काम तो नहीं है, कोई कुत्ता उत्ता ना खुला हो। तो आदमी समझता है कि आदमी घर पे ही नहीं है, इसलिए लाइट नहीं है। और आजकल तो बहुत खास हो गया है कि कई लोगों के घर पे बाहर तख्ती लगी रहती है कि डॉग्स आर फाइन, बिवेयर ऑफ द ओनर।
ये कुत्ते तो ठीक है, मालिक से होशियार रहिएगा। ये भी आजकल कुछ लोग तख्ती लगाते हैं। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहां से आए, जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहां से आए। वैसा ही साईं के साथ होता है, अंधेरे वाले घर में मेहमान नहीं आते। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहां से आए, जिस मन में अहंकार भरा साईं नाथ कहां से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहां से आए, जिस घर में अंधकार भरा साईं नाथ कहां से आए। साईं नाम की ज्योत तू, साईं नाम की ज्योत तू चला कर देख ले, साईं नाम की ज्योत तू जला कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले, साईं नाम अति मीठा है तू गा कर देख ले। ओ साईं नाम अति मीठा है तू गा कर देख ले, आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले, साईं नाम अति मीठा है तू गा कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले, तू बुला कर देख ले, तू बुला कर देख ले, तू बुला कर देख ले। आज की कथा को यहीं पर अब विश्राम देते हैं। बाबा से यही प्रार्थना है कि सत्य, तप, पवित्रता और दया आपके मन में वो स्थापित करें, आपके मन को हमेशा सुख शांति मिले, अहंकार और अन्य दोषों से आप दूर रहें, आपके ऊपर सदैव साईं की कृपा बरसती रहे, सदा उनका प्रेम आपके ऊपर बरसता रहे, आपके जीवन में कभी दुख ना आए, बस यही कामना ये कथा करती है। बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे।